मैंने एक पीआईएल फाइल करके मांग किया था कि भारत के सभी स्कूलों में 8वीं तक योग विज्ञान, आहार विज्ञान और स्वास्थ्य विज्ञान मैंडेटरी कर दिया जाए, अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाए। मैंने कहा कि राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट है, राइट टू हेल्थ भी फंडामेंटल राइट है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं कि किस समय क्या खाना, किस महीने में क्या भोजन करना चाहिए, दिन में कितनी बार भोजन करना चाहिए, और भोजन करना चाहिए तो क्या भोजन करना चाहिए। इसी तरीके से योग के बारे में बिल्कुल जागरूकता नहीं है, योग नहीं जानते कि योग के क्या क्या लाभ होते हैं। माननीय कोर्ट ने पूरी बहस सुनने के बाद केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय, आयुष्मान मंत्रालय को नोटिस जारी किया है, दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है, केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय को नोटिस जारी किया है और उनसे जवाब देने के लिए कहा है। हमारा ये कहना है कि जो भारत में 1,00,000 करोड़ के आसपास शिक्षा का बजट है, अगर ये 3 विषय अनिवार्य कर दिया जाए कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक, योग कंपलसरी कर दिया जाए, आहार विज्ञान कंपलसरी कर दिया जाए और स्वास्थ्य विज्ञान कंपलसरी कर दिया जाए, अगर कक्षा 8 तक देश के सभी बच्चों को पढ़ाया जाए कि योग कौन सा, योग करने से क्या फायदा होता है और योग की प्रैक्टिस भी कराई जाए, देश के सभी स्कूलों में योग मित्र अगर अपॉइंट कर दिया जाए तो बच्चे बचपन से ही योग करना सीख जाएंगे, योग के बारे में पूरी तरीके से उनको नॉलेज हो जाएगी। इसी तरीके से स्वास्थ्य विज्ञान, आहार का स्वास्थ्य पे क्या असर होता है, क्या भोजन करने से कैसी शारीरिक स्थिति होती है, कैसी मानसिक स्थिति होती है और आहार कब कब लेना चाहिए, भोजन कब कब लेना चाहिए, भोजन भी साल में एक जैसा नहीं होना चाहिए, किस महीने में क्या भोजन लेना चाहिए, ये पूरा एक साइंस है लेकिन हमारे बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता। पूरी दुनिया में योग दिवस मनाया जा रहा है, हजारों साल से भारत में योग की परंपरा रही है। पहले भारत में जब तक गुलामी नहीं आई थी, मुगलों के पहले जितने भारत में गुरुकुल थे सब में योग विज्ञान, आहार विज्ञान कंपलसरी था, चिकित्सा विज्ञान कंपलसरी था, स्वास्थ्य विज्ञान कंपलसरी था, बच्चों को सब पता होता था कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कब खाना, कैसे खाना, चबा चबा के खाना, खड़े होके दूध पीना या बैठ के दूध पीना, खड़े होके पानी पीना कि कैसे पानी, ये सब कुछ स्कूलों में सिखाया जाता था, लेकिन वो सब बंद हो गया है और नतीजा ये है कि हर घर में कोई ना कोई बीमार पड़ा हुआ है। अगर ये योग विज्ञान, आहार विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान मैंडेटरी कर दिया जाए 8वीं तक, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि भारत का जो हेल्थ का बजट है ना, ये 50% कम हो जाएगा। अगर अभी 1,00,000 करोड़ है तो ये 50,000 करोड़ अपने आप कम हो जाएगा, मात्र 50,000 करोड़ खर्च होगा। टैक्स पेयर के ऊपर जो इतना बर्डन है वो बर्डन भी कम हो जाएगा, घर में खुशहाली भी ज़्यादा आएगी, क्योंकि अल्टीमेटली केवल पैसा ही नहीं खर्च होता बीमार होने के बाद, बीमार होने के बाद पूरा परिवार मानसिक तनाव में आ जाता है। और कई बार तो ऐसा देखा गया है कि पति बीमार होता है तो पत्नी मानसिक रूप से बीमार हो जाती है, घर में अगर बच्चा बीमार होता है तो माँ बीमार हो जाती है, एक व्यक्ति बीमार होता है बाद में एक आदमी और भी बीमार हो जाता है, तो बीमारी लगातार बढ़ती जा रही है। और इसका फायदा किसको होता है, फार्मा माफियाओं को, इसका फायदा किसको होता है, ड्रग माफियाओं को, इसका फायदा किसको होता है, हॉस्पिटल माफियाओं को, इसका पूरा फायदा किसको होता है, जो बड़ा बिजनेस कर रहे हैं बीमारी के कारण, जो बड़ी बड़ी हॉस्पिटल बना के बैठे हुए या बहुत बड़ी बड़ी दवा बनाने कंपनियां बनाने, उनको फायदा हो रखा है, लेकिन अल्टीमेटली पूरे भारत में अशांति फैली हुई है। इसलिए मैंने मांग किया कि राइट टू हेल्थ फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन भी फंडामेंटल राइट है, तो कम से कम कक्षा 8 तक, जहां तक राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट, वहां तक हेल्थ के बारे में हेल्थ साइंस जरूर पढ़ाया जाए, योग साइंस जरूर पढ़ाया जाए और फूड साइंस जरूर पढ़ाया जाए। कोर्ट ने भी कहा है कि मामला बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्वाभाविक सी बात है इससे बहुत, इसका लार्जर बहुत बड़ा फायदा होगा। इसका जो सबसे बड़ा फायदा होगा कि जब बच्चे शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो बहुत सारी जो विकार हैं अपने आप दूर हो जाएंगे। चूंकि योग अनिवार्य नहीं है तो बाद में बच्चे जो अपराधी प्रकृति के होते जा रहे हैं, अगर ये योग अनिवार्य हो जाए तो अपराध भी काफ़ी कुछ कम हो जाएगा। जो अराजकता फैलती जाती है वो उसका मूल कारण है कि योग प्राणायाम अनिवार्य नहीं है। योग प्राणायाम अनिवार्य करने से अराजकता कम होगी, योग विज्ञान को अनिवार्य करने से जब बच्चे योग करना करेंगे तो उससे जो है अपराध भी कम होगा। आप खुद भी देख सकते हैं भारत में जितने गुरुकुल चलते हैं, आज तक मुझे किसी गुरुकुल वाला बच्चा घूसखोरी कमीशनखोरी करते हुए नहीं मिला, आज तक मुझे कोई गुरुकुल का बच्चा किडनैपिंग में नहीं मिला, बलात्कार करते हुए नहीं मिला, कोई गुरुकुल का बच्चा
अपहरण नहीं करता, कोई गुरुकुल का बच्चा ड्रग स्मगलिंग का काम नहीं करता, कोई गुरुकुल का बच्चा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम नहीं करता, मानव तस्करी नहीं करता। गुरुकुल में चूंकि योग अनिवार्य है, स्वास्थ्य विज्ञान अनिवार्य है, आहार विज्ञान अनिवार्य है, तो वहाँ आप देखिए वहाँ के जो बच्चे निकलते हैं वो भारत से भी प्रेम करते हैं, आस पड़ोस भी सबसे सबके साथ ठीक से रहते हैं, माता पिता का भी सम्मान करते हैं। तो ये सबसे बड़ा फायदा होगा अगर हमने योग साइंस को अनिवार्य किया, हेल्थ साइंस को अनिवार्य किया और फूड साइंस को अनिवार्य किया। योग साइंस को अनिवार्य करने का जो सबसे बड़ा बात है, जो भारत में एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ हैं, अल्टीमेटली आप देखिए आज तक आपको गुरुकुल का पढ़ा हुआ बच्चा कोई आपको जासूसी करते नहीं मिलेगा, गुरुकुल का पढ़ा हुआ बच्चा देश से गद्दारी करते हुए नहीं मिलेगा, गुरुकुल का पढ़ा हुआ बच्चा माओवाद नक्सलवाद में लिप्त नहीं पाया जाएगा, गुरुकुल का पढ़ा हुआ बच्चा अवैध निर्माण नहीं करता, गुरुकुल का पढ़ा हुआ बच्चा अलगाववाद नहीं फैलाता, गुरुकुल का पढ़ा हुआ बच्चा भारत में धर्मांतरण नहीं कराता। और गुरुकुल का जो सबसे बढ़िया है वहाँ वेद विज्ञान पढ़ाया जाता है, साथ साथ योग विज्ञान पढ़ाया जाता है, आहार विज्ञान पढ़ाया जाता है, स्वास्थ्य विज्ञान पढ़ाया जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भारत के सभी स्कूलों में योग विज्ञान, आहार विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान इसको मैंडेटरी किया जाए। बजट भी कम होगा, देश का फायदा भी होगा, सब स्वस्थ रहेंगे, सब खुश रहेंगे, सबका विकास फायदा होगा इससे।